खुशामदीद द विलेज रसोई में खुशामदीद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे और यूज़फुल लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जब कोई वेज खाने की बात हो तो फिर पनीर का नाम तो सबसे पहले आता है, इसलिए हम बना रहे हैं आज पनीर की बहुत ही क्विक और ईजी रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा और हम बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। हम लिए 250 ग्राम पनीर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून से कम ही डालें, थोड़ी सी रेड मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने देंगे लगभग 10 मिनट्स के लिए। पनीर में मसाले तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसे मैरिनेट होने रख देते हैं। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है, इस मीन टाइम में हम बना लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए हम यहाँ लिए हैं 2 टमाटर, एक बड़े साइज का था और एक छोटे साइज का था। यहाँ लिए 1 मुट्ठी भर लहसुन और 2 इंच जिंजर का टुकड़ा। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इन सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। चलिए मिलते हैं पेस्ट बनाने के बाद। मसाले का फाइन पेस्ट तो बनकर रेडी है। अब हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को बहुत फाइनली चॉप करना है। इसी तरह से हम 2 बड़े प्याज को काट लेंगे। अब हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम पनीर डालेंगे। और पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे। पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी पैन में 1.5 टेबल स्पून तेल डालेंगे। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम कुछ पाउडर्ड मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम पाउडर मसालों का पेस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि ग्रेवी का कलर भी अच्छा है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आए। ग्रेवी का पेस्ट तो बनकर तैयार है। अब हम उधर प्याज की तरफ देखते हैं।
प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेजपात, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, और इन सबको तब तक फ्राई करेंगे जब तक बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, टमाटर, लहसुन और अदरक का, और इसे भी अच्छे से भुनेंगे। हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लिए हैं। अब हम इसमें वो पाउडर मसालों का पेस्ट डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से 5-6 मिनट तक भुनेंगे। मसालों को भुनने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम मसाले को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिए हैं और साइड से ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, 1/2 कप पानी डाल रहे हैं हम, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और पानी को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। ग्रेवी अच्छे से उबल रहा है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, फ्राई किए हुए पनीर। अब इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। पनीर को ढककर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका ढक्कन खोलकर देखते हैं। वाह, क्या मजेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसका फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसे सर्व करेंगे। पनीर की मसालेदार ढाबा स्टाइल सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बना है और बहुत ही आसानी से बना है। आप भी इसे अपने घर में बनाइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।